तो ये हमारे पास ISC 2020 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 1 + x² डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4xy - 2xy। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, 1 + x² को इस साइड ले जाना है, तो dy/dx इक्वल टू 4x² - 2xy अपॉन 1 + x² नीचे ले जाना है, और इसको अब स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में, तो 4x² 1 + x² - 2xy अपॉन 1 + x², ये हम लोगों ने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। अब इस वाले पार्ट को इस साइड ले आना है ताकि फॉर्म बन सके, +2xy, इस साइड माइनस था तो इस साइड प्लस हो जाएगा, +2xy अपॉन 1 + x², तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक फॉर्म जनरेट हो गया, 4xy 4x² अपॉन 1 + x², ये इसी साइड रहेगा, तो हमारे पास जो फॉर्म आया है dy/dx + py इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म बन गया हमारा, ये p है और ये q है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो कि e पावर इंटीग्रेशन होता है p का, तो 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करने समय ये करते समय ये ध्यान रखना है कि 1 + x² को t लेना है, सिर्फ 1 + x² पूरे को लेंगे, नहीं तो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो फिर t ले लेंगे 1 + x² को, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x² को हम लोग यहाँ पे t लिया था तो t रख देंगे, और dx अपॉन यहाँ पे 2x था, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 1/t किसी कोई भी लीनियर वेरिएबल का इंटीग्रेशन अपॉन में अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है, लॉग t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो e^log t इसका इंटीग्रेशन है, और लॉग लॉग न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास t बचेगा, और t था 1 + x², तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 + x² है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² आ चुका है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सोल्यूशन वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो हमारे पास पी था, पी हमारे पास ये था 2x/1 + x², ये पी था इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेट हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को करना पड़ेगा फिर से, और जो हम इस साइड क्यू था, क्यू हमारे पास था 4x³ = 4x² / 1 + x², इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था 1 + x² और 2x/1 + x², तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² था इंटू 4x² / 1 + x², ये भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो बस 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x² 2x इज इक्वल टू 4 बाहर x² 4x³/3, ये एग्जैक्ट फॉर्म है हमारा, आंसर यही है।